दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और YouTube वीडियो में। दोस्तों खबर उत्तर प्रदेश से है कि असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से अपनी जनसभा को संबोधित करके दिल्ली वापस आ रहे थे। पिलखुआ टोल जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया उनकी गाड़ी पे हमला हो गया। 4 से 5 राउंड गोलियां चली हैं। वहां पर मौके पर SP DSP DM सारे लोग मौजूद हैं। फुटेज वहां के जो वीडियो फुटेज है उनको तलाशा जा रहा है। मैं बता दूं जैसे ही कोई VIP मूवमेंट होती है तो टोल की एक साइड हमेशा खोली रखी जाती है कि ताकि VIP आसानी से आ जा सके। तो जैसे ही उन्होंने पिलखुआ का टोल क्रॉस किया दिल्ली आने के लिए तो उनकी गाड़ी पर अचानक से हमला हो गया। इतना ये कि 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है। UP में चुनाव की वजह से सरगर्मियां तेज हैं। तमाम VIP मूवमेंट चली रही है। आना जाना लोगों का लगा हुआ है। इसी सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी अपने दौरे पर थे। शाम को वो दिल्ली जैसे ही वापस आ रहे थे अभी भी वो अभी की खबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वहाँ पर वो रुके हुए हैं और तमाम चीज़ों को सेफ जगह पर उसने उनको पहुँचा दिया है और वहाँ तमाम उनके कार्यकर्ता और उनके जो भी संयोजक हैं तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हैं। पुलिस तलाश में है कि कौन लोग थे, क्या मकसद था, कहाँ गए, कहाँ से आए थे। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और राजनीति भी इस पर शुरू हो गई। आप देखेंगे कुछ देर बाद तमाम TV चैनलों पर इस पर डिबेट शुरू हो जाएगी। बाहर अच्छी खबर ये है कि किसी के भी कोई हताहत या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। गाड़ी पे खाली और उसके निशान देखे जा सकते हैं। बाकी जैसे कोई अपडेट होती है मैं आप तक रखता हूँ।